ठीक है भैया चलते हैं भैया। बाय भाई साहब, 15 से 20 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ा साइड में, आर पार नहीं हो सकते हैं भाई। उनको क्या है, हम तो साइड से निकल लेंगे बाबा। कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुई थी। गुजरात के 9:57 हो रहा है और बता रहे थे आप सभी को एक भाई के पास मैं जा रहा हूँ, तो हाय। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। आज है 9 जून और सुबह के भी 6:39 हो रहा है। मैं इसी पेट्रोल पंप पे रुका हूँ और ये चौकी है जिस पे सोया था और मच्छर सोने नहीं दिया। हर जगह भी यही हाल होता है, मच्छर सोने नहीं देता। कोई ना, ठीक है सोए कोई ना। और यहाँ पे लाइट भी ले लिया था चार्ज करने के लिए, ऐसे ही लाइट चार्ज करता हूँ, जहाँ पे रुकता हूँ वहाँ पे चार्ज कर लेता हूँ। ये रहा हेलमेट सारा कुछ, एयर वाला रूम है, एयर वाला, मैंने यहाँ पे गाड़ी वगैरह में हवा बढ़ जाती नहीं, यहीं पे पंखा भी लगा था लेकिन थोड़ा बड़ा मच्छर भी काटा है कोई ना, चलेगा। उसी यहाँ पे है तो सामान चार्जर रखता हूँ, तो यही पेट्रोल पंप है और अब निकल रहे हैं यहाँ से। खुशी है यहाँ पे, अच्छा लॉक खोलना पड़ेगा। और आज का टारगेट रखा हूँ अम्बाला करके जगह है जो कि 111 किलोमीटर है, जैसे कि आप सभी को पिछले ब्लॉग में भी बताए थे, तो आज अम्बाला पहुँचने का टारगेट है, यानी कि रखा हूँ, अब देखता हूँ सफ़र हो पाता हूँ कि नहीं। ठीक है तो चलते हैं और क्या, निकलते हैं राइट पर, चलिए। ठीक है भैया चलते हैं भैया। बाय। ओहो, तो भाई साहब बोल दिए भैया को टाटा बाय बाय, पेट्रोल पंप को भी बोल दिए टाटा बाय बाय और निकल रहे अपने अम्बाला के लिए जो कि यहाँ से 111 किलोमीटर दूर है। एक चीज़ बताओ, हरियाणा में आज दूसरा दिन है और आज शुरू शुरू में बता रहा हूँ, ये जो NH है ना इतना व्यस्त है भाई। रात में मैं उस साइड खाना खाने के लिए गया था, GRS सागर ढाबा करके है भाई साहब, 15 से 20 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ा साइड में, आर पार नहीं हो सकते हैं भाई, इतना व्यस्त भाई साहब। फिर कैसे कैसे करके मैंने भाग भाग के पार किया, तब जाके खाना खा के आया। और एक चीज़, ये ग्लव्स इतना कंफर्टेबल है ना, लेकिन कल से पहन के चला रहा हूँ, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है क्या ही बताऊँ आपको। और भाई साहब अभी तक ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है क्योंकि फ़ोन इतना हीट हो जाता है ना कि क्या बताओ आप सभी को, जैसे लगता रहता है कि अगर कुछ देर और चलाऊंगा ना तो फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा ही लगता रहता है, इसलिए ब्लॉग एडिट नहीं किया। रात से ज़्यादा हीट हो जा रहा है भाई साहब, प्लस में हैंग हो जा रहा है, हैंग बोले तो मैंने स्विच ऑफ हो जा रहा है, स्विच ऑफ होकर के फिर से ऑन हो रहा है, यानी कि इतना हॉट हो जा रहा है जो स्विच ऑफ होकर के फिर से ऑन हो रहा है, तो एडिट नहीं किया हूँ मैं। आगे मैं कहीं दुकान पर जा कर के फिर चाय नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर वहाँ पर बैठ करके एडिट करूँगा, क्या कर सकते हैं यार, यही कारण से ब्लॉग मैंने टाइम पे नहीं जाता है कभी, क्या करें। मैं बताना नहीं चाहता था जो मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, बट बोले जो नहीं बताना तो चाहिए, फिर बताया मैंने आपको, कोई ना देखते हैं कैसे क्या करना है नहीं करना है। भाई साहब इधर जो बस चलती है ना, वो भी इतना सुंदर बस का डिजाइनिंग किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और बहुत ही ज़्यादा बस चलती है, बहुत ही ज़्यादा भाई साहब, बहुत ही बसेस है, बहुत ही ज़्यादा, प्लस में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में इधर का बस कलरिंग डिजाइनिंग मस्त लगता है बस का। रुका हूँ कुछ खाने के लिए, छोले कुलचा की क्या है पता नहीं, देखता हूँ क्या है, पहले लगा दूँ अपने खुशी को। अभी का समय 4:30 बज रहा है और मैं करनाल में एक ढाबा है यहाँ पे रुका हूँ, और बहुत देर पहले रुका था, तकरीबन 12 या 1 बजे के आसपास में रुका था यहाँ पे, तो खाना वाना भी खाया था, आलू पराठा और दही, और यहाँ पे इस खाट पे सोया हुआ था, एक भैया है उधर सो रहे हैं, तो भैया भी बोले थे कोई दिक्कत, आराम करो और फिर थोड़ा सा समय मैंने अच्छा होगा, फिर निकलना यहाँ से।
अभी तुरंत नहा के आया हूँ और अपनी खुशी जो है यहाँ पे खड़ी है देख रहे हैं। और अभी अंबाला पहुँचना है मुझे, यानी कि आज अंबाला पहुँचना है, तो यहाँ से 70 किलोमीटर है अंबाला और 4:30 हो चुका है, तो देखते हैं कब तक पहुँच पाता हूँ अंबाला, पहुँच पाता हूँ या नहीं वो तो पता नहीं, तो चलते हैं। वो उठ गए भैया तभी से सो रहे थे, जैसे वीडियो स्टार्ट किए आप उठ गए तब से आप सो रहे थे मैं वीडियो स्टार्ट किया आप उठ गए बोल रहा हूँ, आप तब से सो रहे थे, मैं जैसे वीडियो स्टार्ट किया आप उठ गए ना मैं जैसे अपना बना रहा था तो ये भैया है, ये कल अपलोड करेंगे। ये भैया है, बोले आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो, लेट नहीं लेटो कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। तो बहुत देर से रुके थे यहाँ पे, सोए भी थे यहाँ पे, फ़ोन भी चार्ज किए, वीडियो भी यहीं पे एडिट किए, कैसे भी करके एडिट किए, कष्ट सास मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती एडिट करने में ये फ़ोन से, तो कोई ना ठीक है। तो अभी फ्रेश व्रेश हो गए हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से, मास्क वगैरह सब सारा कुछ लगा लें, चश्मा पहन लें एकदम फिट फाट होकर के, फिर निकलेंगे यहाँ से। धूप कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब अपने पे उतर जाएंगे तो धूप कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ बोलने में लगता है, धूप क्या बिगाड़ता है वो तो सबको पता चलता है कोई ना दही और रोटी खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, पूरा पेट ठंडा रहेगा ठीक है। 4:59 हो रहा है अभी, यानी कि 5 बजने में 1 मिनट कम, तो अभी तैयार हो गया हूँ, दही रोटी भी खाया हूँ। और कितने मांगे दही रोटी के, कितना हो गया पैसा? हाँ परोटा का पहले पे है, पेमेंट करना भूल गया था मैं, पेमेंट कर देता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। भाई साहब इतना तेज़ धूप है ना कि हालत ख़राब हो गई, बट कोई बात नहीं। अभी तेज़ धूप है लेकिन कोई ना, पार करेंगे। तेज़ धूप है तो क्या हुआ, हम भी तेज़ में भगाएंगे, जितना तेज़ धूप है उतना तेज़ में हम अपने खुशी को भगाएंगे, है ना। एकदम गियर हाई कर लेते हैं और एकदम स्पीड करते हुए निकलते हैं। देख रहे हैं ना आप सब, मैं अभी भी NH से नीचे में ही चल रहा हूँ, यानी कि सर्विस रोड पे ही नहीं जा रहा हूँ उस पर। देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ हैं भाई, बेस्ट है यहाँ पे, छाव भी है माने छाया भी है, अच्छा है, चलो आराम से भाई। 60 किलोमीटर बचा है यहाँ से अम्बाला, तो भाई साहब आगे में लग चुका है जाम, तो क्या है हम तो साइड से निकल लेंगे बाबा साइड से निकलो, यही तो फायदा होता है। चलो देखे ना आप सब, यही तो फायदा होता है ये सबका, ज़्यादा जाम रहेगा तो कंधा पे उठा लेंगे और पार कर लेंगे। ये देखिए गाड़ियों को कैसे लेकर जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, देखिए इसमें दो ट्रैक्टर था इसमें, ज़्यादा दूर से गाड़ियाँ सब जो लेके आया जाता है ना इसी तरह से। हरियाणा पुलिस सर कुरुक्षेत्र यहाँ से 4 किलोमीटर है, चंडीगढ़ है 101 और लुधियाना है 161 किलोमीटर। भाई साहब कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुई थी, तो फाइनली कुरुक्षेत्र पहुँच गया हूँ। कुरुक्षेत्र का मार्केट जो कि NH के बगल में होता है मार्केट, वही मार्केट पहुँचा हूँ मैं, तो अंदर नहीं जाता हूँ आप सभी को पता है, जो सामने मैं वही पार कर रहा हूँ अभी। गियर चेंज कर लो भाई साहब, कुरुक्षेत्र मार्केट पार कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से अम्बाला की तरफ, और उधर एक फ्रेंड भी है मेरे गाँव के आसपास कहीं है, बार बार कॉल कर रहे हैं जो भाई मेरे पास आइएगा। तो ठीक है चलिए देखते हैं, NH से नीचे उतर के क्रॉस कर गया और जा रहा हूँ पूरब की तरफ, इधर भाई का लोकेशन है। भाई साहब रोड के बगल में खेत है और उस खेत में है सूर्यमुखी फूल, जो कि अभी नहीं दिखा सकता, वो लाइट नहीं है, अंधेरा हो चुका है, कल देखेंगे, कल कोशिश करेंगे, अगर रास्ता में टकराएगा तो दिखाऊंगा ठीक है। पूरा अभी मुरझा गया है, सो गया है अभी पूरा। मैं फ्लाईओवर से नीचे उतर गया और यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग, तो
फिर से हमको वापस जाना पड़ रहा है फ्लाई ओवर पर चढ़ने के लिए। तो हमने नीचे से पार करने वाला जगह ही नहीं है, ये मिस्टेक मेरा ये लगा के दोबारा हो गया है। तो भाई साहब आ गया हूँ भाई साहब के रूम पे। चलिए खाना बने है नहीं, सिर्फ सब्जी बन डाले खाना बनने से। तो भाई साहब लगा दिए। और ये है विकास भाई, मिलिए विकास भाई से। अभी रात के 9:57 हो रहा है और बता रहे थे आप सभी को एक भाई के पास मैं जा रहा हूँ। तो हाय, ये है विकास भाई। और जब से मैं ये ट्रिप स्टार्ट किया हूँ ना, तब से बता रहे थे जो जब आप अंबाला आइएगा तब आप मेरे पास में स्टे करिएगा और बिना स्टे किए हुए मत जाइएगा। मतलब आए हैं, बताओ भाई। मतलब ऐसा है कि हम एक दूसरे को इस फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए, इस फील्ड में नहीं किसी भी फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए। भले जानते हो ना जानते हो, बट एक ना एक दिन जान पहचान हो ही जाता है भाई, कहीं ना कहीं तो मिलना है। इसलिए भाई हर किसी को सपोर्ट करो। और सूरज भाई अभी लद्दाख ट्रिप पे निकले हैं, बिहार टू लद्दाख। आप लोग जरूर से सूरज बीएल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और वो भी ऑन रोड और बाई साइकिल जा रहे हैं बॉस। ये मतलब कि जज्बा होना चाहिए ऐसा, बस इससे आगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सबसे मिलता है ना, आप सब इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। तो मेरे गांव के आसपास के ही है, मतलब बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। 20-25 किलोमीटर समथिंग हमारे आसपास, आधे घंटे का रास्ता है। नहीं तो आए इनके रूम पे ही आए हैं, यहीं पे काम करते हैं ये। तो बोले आ जाइए रुकिए, फिर सुबह में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और अपना जो खुशी है अंदर में ही रख दिए हैं, नहा धो के फ्रेश हुए, फिर कपड़ा वगैरह सब भी साफ किए हैं। और अभी जस्ट खाना खाएंगे, खाना खा के फिर जो अपना काम है वही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं।